नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी करेंगे। श्री मोदी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। गुजरात में आयुष्मान कार्ड का वितरण आज से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा केंद्र सरकार पेटेंट कानून को सरल बनाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से आज पूछताछ करेगा। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए चुनाव आज। भारत की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 5वां सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। और फुटबॉल में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के ग्रुप ए में भारत और ब्राजील के बीच मुकाबला आज शाम भुवनेश्वर में। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त के रूप में 16,000 करोड़ रुपए जारी करेंगे। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पात्र किसानों को हर वर्ष 2,000 रूपये की 3 किस्तों में कुल 6,000 रूपये दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत अभी तक कृषक परिवारों को 2,00,000 करोड़ रूपये से अधिक का लाभ पहुंचाया गया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर श्री मोदी किसानों के बैंक खातों में ये किस्त जारी करेंगे। इस सम्मेलन में देशभर के 13,000 से अधिक किसान और लगभग 1,500 कृषि स्टार्टअप के हिस्सा लेने की संभावना है। विभिन्न संस्थानों से 1 करोड़ से अधिक किसानों के वर्चुअल रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री कृषि स्टार्टअप सम्मेलन और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन के दौरान 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसके तहत देश में 3,30,000 से अधिक उर्वरक दुकानों को चरणबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। वर्तमान में देश भर में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर उर्वरक की लगभग 2,70,000 खुदरा दुकानें हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन इन केंद्रों में किसानों को कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके तहत कृषि उपकरण, मिट्टी, उन्नत बीज और उर्वरकों के लिए परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा श्री मोदी प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का भी शुभारंभ करेंगे। इसके तहत भारत यूरिया बैग की शुरुआत की जाएगी, जिससे कंपनियों को एक ही ब्रांड नाम भारत के तहत उर्वरक उत्पादों की बिक्री में मदद मिलेगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गुजरात में सभी लाभार्थियों को उनके घर पर आयुष्मान कार्ड वितरित किए जाएंगे। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री अमृतम योजना शुरू की थी। ये योजना गरीब नागरिकों को बीमारी के इलाज में होने वाले अधिक खर्चे से बचाने के लिए लाई गई थी। वर्ष 2014 में इस योजना में उन परिवारों को भी शामिल किया गया जिनकी वार्षिक आय 4,00,000 रूपये तक है, और बाद में इस योजना में कई अन्य समूहों को जोड़ा गया और इसका नाम मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य योजना हो गया। योजना की सफलता को देखते हुए वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की। इस योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5,00,000 रूपये तक की कवरेज दी गई। वर्ष 2019 में गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ जोड़ दिया। समाचार कक्ष से मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की। देश के हर क्षेत्र में डिजिटल बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से इनकी स्थापना की जा रही है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इन बैंकिंग इकाइयों से डिजिटल सेवाएं सशक्त होंगी और बेहतर बैंकिंग बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने बैंकिंग सेवाओं को देश के कोने कोने में पहुंचाना सुनिश्चित किया है।
हमारा संकल्प है व्यवस्थाओं में सुधार का, पारदर्शिता लाने का, आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का। जब हमने जनधन अकाउंट की मुहिम शुरू की, मेरा देश का सामान्य से सामान्य नागरिक अनुभव कर रहा है, और बैंक खातों की वजह से हमने गरीबों को बहुत कम प्रीमियम पर बीमा की सुविधा दी। बैंक खातों की ताकत से जुड़ने के बाद गरीबों को बिना गारंटी लोन मिलने का रास्ता खुल गया। बैंक अकाउंट होने की वजह से गरीब लाभार्थियों तक सब्सिडी का पैसा सीधे उनके खाते में पहुंचा। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी देश की अर्थव्यवस्था उसकी बैंकिंग प्रणाली की मजबूती पर निर्भर करती है। नया भारत डिजिटल करेंसी की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और डिजिटल लेनदेन से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि आम लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में ये एक और महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र पेटेंट कानून को सरल बनाने के लिए उसमें संशोधन करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि नए पेटेंट कानून को सरल और बेहतर बनाने के लिए सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। We are already in the process of redrafting the law, and if you have any suggestions, send it ASAP, because we are finalizing our changes as we speak. So anybody has any suggestions where the law is a detriment or is creating any problems, please send that in to us in the next 72 or 96 hours, let's say, 4 days, that should be enough. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के अनुसंधान पार्क में छात्रों और नवोन्मेषकों से चर्चा के दौरान श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पेटेंट हासिल करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिभा और दक्षता का विश्व स्तरीय तालमेल है। श्री गोयल ने कहा कि भारत दुनिया को 1 अरब से अधिक लोगों का ऐसा विशाल बाजार उपलब्ध कराता है जो टेलीविजन और स्मार्टफोन के जरिए दुनिया भर से जुड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक आज नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में शुरू होगी। 109 देशों के प्रतिभागी 4 दिन की बैठक में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कार्बन रहित अर्थव्यवस्था से संबंधित अपने अनुभव साझा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सर्वोच्च निर्णायक समिति की ये मंत्री स्तरीय बैठक संगठन के मुख्यालय में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक अजय माथुर ने बैठक की प्राथमिकताओं के बारे में आकाशवाणी को ये जानकारी दी। वार्षिक अधिवेशन में 2 बड़े-बड़े मुद्दे हम लोग रख रहे हैं सामने। एक तो है किस प्रकार से निवेश उन जगहों पर लेके आए जहां पर वो नहीं हो रहा है। पिछले साल में 2021 में लगभग $200 बिलियन का निवेश हुआ था सोलर में दुनिया भर में, लेकिन केवल 5% अफ्रीका में हुआ। तो हम लोगों ने इन्वेस्टर्स से पूछा इसकी वजह क्या है, और ये बताया गया कि क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाना पड़ेगा इन देशों में जाने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं इस अधिवेशन में एक प्रपोजल लेके कि एक पेमेंट गारंटी मैकेनिज्म बनाया जाए, जिसके तहत अगर कोई प्रोजेक्ट इन देशों में बने, बिजली का पेमेंट वो पार्टी ना कर पाए, तो इस पेमेंट गारंटी मैकेनिज्म के द्वारा हो। इस वजह से जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इन एरियाज में निवेश भी बढ़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI आज दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगा। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया 11 बजे CBI के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में हाजिर होंगे। जांच एजेंसी ने उन्हें राजधानी की आबकारी नीति के निर्माण और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया है।
इससे पहले श्री सिसोदिया के आवास और कई ठिकानों पर छापे मारे गए थे। इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रू, बज्जी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा और इंडिया अहेड न्यूज के प्रबंध निदेशक मुथा गौतम सहित कई लोगों से इस मामले में सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। घोटाले के संबंध में आप नेता विजय नायर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं को देखते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। पिछले वर्ष 17 नवंबर को लागू हुई यह नीति दिल्ली सरकार ने इस वर्ष जुलाई में वापस ले ली थी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में राष्ट्रीय राजधानी में कई घोटाले हुए हैं। कल नई दिल्ली के रामलीला मैदान में पंच परमेश्वर सम्मेलन में श्री नड्डा ने दिल्ली आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के बारे में राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने के लिए आज मतदान कराया जाएगा। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। अध्यक्ष पद के लिए पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। मतगणना बुधवार को कराई जाएगी और उसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी करेंगे। श्री मोदी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। गुजरात में आयुष्मान कार्ड का वितरण आज से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, केंद्र सरकार पेटेंट कानून को सरल बनाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से आज पूछताछ करेगा। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए चुनाव आज। भारत की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 5वां सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। और फुटबॉल में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के ग्रुप ए में भारत और ब्राजील के बीच मुकाबला आज शाम भुवनेश्वर में। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता छोटे जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जुड़ते जाए बने तो ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन। हिंदी माध्यम में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य हो गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल भोपाल में चिकित्सा विज्ञान पर हिंदी में तैयार 3 पाठ्य पुस्तकों का विमोचन किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि देश के शिक्षा क्षेत्र में ये पुनर्निर्माण का क्षण है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है। श्री अमित शाह ने बताया कि जल्द ही अनुसंधान के क्षेत्र में भी हम अपनी भाषा में कार्य करेंगे। टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में हमारे विद्यार्थियों को अपनी भाषा में शिक्षा तो मिलेगी ही, इसके साथ साथ आगे बढ़कर R&D की व्यवस्था भी अपनी ही भाषा में करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी सरकारें आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में चिकित्सा शिक्षा हिंदी भाषा में शुरू होने की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक कदम है जिससे लाखों विद्यार्थी चिकित्सा का अध्ययन अपनी भाषा में कर सकेंगे और देश में सकारात्मक परिवर्तन होगा। श्री मोदी ने कहा कि इससे विद्यार्थियों के लिए अवसरों के नए द्वार खुलेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। ये टर्मिनल 446 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह देश का सर्वोत्तम हवाई अड्डा होगा। इस टर्मिनल से ग्वालियर के हवाई संपर्क को बेहतर बनाने और पर्यटन बढ़ाने में मदद मिलेगी। गृहमंत्री ने 3,143 गांवों के लिए
4,300 करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 256 शहरी तथा 1,202 ग्रामीण आवास भी सौंपे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल ओडिशा के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया। स्वदेशी रूप से निर्मित माल डिब्बों के उपयोग से ईंधन की कम खपत होगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। रेल मंत्री ने कहा कि एकल रेक अपने जीवन काल में 14,500 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम कर सकता है। श्री वैष्णव ने बताया कि अगले वर्ष मार्च तक ओडिशा के कुछ शहरों में हाई स्पीड 5G इंटरनेट सेवा शुरू हो जाएगी। उत्तर रेलवे ने त्योहारों पर यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए दीपावली और छठ पूजा पर 22 से 28 अक्टूबर के बीच 14 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। उत्तर रेलवे के अनुसार ये विशेष रेलगाड़ियां दरभंगा, सहरसा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, बक्सर, आरा, कटिहार, अमृतसर और फिरोजपुर के लिए चलेंगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने मछली उत्पादन और निर्यात बढ़ाने तथा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पिछले 8 वर्षों में अनेक उपाय किए हैं। बेंगलुरु में अंतर्देशीय मत्स्य सम्मेलन के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि मछली उत्पादन में विश्व में भारत का तीसरा स्थान है। कर्नाटक के संदर्भ में श्री मुरुगन ने कहा कि राज्य को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 2020-21 से अभी तक 734,77,00,000 रूपये आवंटित किए गए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कल देहरादून में उच्च शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शुभारंभ किया। उन्होंने उत्तराखंड सरकार को देश में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड विद्वानों की भूमि है, जिसने बाल वाटिका से देश में प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नई शिक्षा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए भविष्य में देवभूमि से सुझाव मिलते रहेंगे। आकाशवाणी के फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक ने आज रात 9:30 बजे वायु प्रदूषण से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं और पूर्व सावधानी उपायों पर परिचर्चा प्रसारित की जाएगी। सफदरजंग अस्पताल के श्वसन औषधि चिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉ नीरज गुप्ता श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञ से सुबह 9:30 बजे से टेलीफोन नंबर 011-23-42-17-64 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्नों को #AskAIR द्वारा हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी पोस्ट कर सकते हैं। इस लाइव प्रोग्राम को FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और हमारे YouTube चैनल newsonair ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में हम आपके लिए स्मार्ट सिटीज मिशन की जानकारी लेकर आए हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो मुख्य बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं और स्मार्ट समाधानों के माध्यम से अपने नागरिकों को जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करते हैं। 25 जून 2015 को मिशन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये देश में शहरी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। शहर कैसा बढ़ेगा, कब जाएगा, कहां, किस रास्ते आगे बढ़ेगा, वेस्ट में बढ़ेगा कि ईस्ट में बढ़ेगा, समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी उसमें क्या जगह होगी, ये प्लान जब तक शहर का नेतृत्व दीर्घ दृष्टि के साथ नहीं करता है ये स्थिति बनी रहेगी। हम इस अमृत योजना के माध्यम से एक बदलाव चाहते हैं। शहर खुद अपना सोचने लगे
शहर अपनी योजनाएं बनाने लगे और कहां जाना कैसे जाना उसका फैसला शहर करे। जनवरी 2016 से जून 2018 तक चार दौर की प्रतियोगिता के माध्यम से स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कुल 100 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया था। इसका उद्देश्य सतत और समावेशी विकास पर ध्यान देकर लोगों को कम जगह में सारी सुविधाएं प्रदान करना है, जो अन्य शहरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक शहर का स्मार्ट सिटी प्रस्ताव नागरिकों की व्यापक सुझावों से तैयार किया गया है। क्योंकि विभिन्न शहरों में नागरिकों की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं अलग अलग हैं, इसलिए प्रस्तावों में शामिल प्राथमिकताएं और परियोजनाएं अलग अलग शहरों में अलग अलग हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी का मानना है कि एक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना तभी संभव हो सकती है जब शहर उत्पादक बनेंगे। उन्होंने कहा कि नागरिक केंद्रित बुनियादी ढांचे और परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी से सक्षम भारत के शहर देश के विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने की कुंजी साबित होंगे। वी आर 4041 सिटीज इन इंडिया। द आइडिया इज टू गेट दीज 100 वेल एंड रनिंग विद स्मार्ट सॉल्यूशंस, व्हिच इज अ ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वी आर टॉकिंग अबाउट अबाउट $30 billion इन द फर्स्ट इंस्टेंस, बट ईच स्मार्ट सिटी विल हैव अ लाइट हाउस इफेक्ट। फ्रॉम देयर यू विल गो, the other cities will want to do this, and there's a series of urban challenges which we are in the process of addressing, and I have absolutely no doubt we'll get this one right. I think we're on the cusp of the fourth industrial revolution. The fourth industrial revolution is all about urban services. And again, I have no doubt that it will be win-win for India. स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में इसकी स्थापना के बाद से काफी प्रगति हुई है। स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन की अवधि को कोविड महामारी के कारण जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है। सभी स्मार्ट शहरों से निर्धारित समय के भीतर अपनी परियोजनाओं को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत विकसित परियोजनाएं बहुक्षेत्रीय हैं और स्थानीय आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करती हैं। स्मार्ट शहरों ने देश में अपने एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों का विकास और संचालन किया है। इन केंद्रों ने कोविड प्रबंधन के लिए नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य किया। इसके अलावा इन केंद्रों ने मिशन के अंतर्गत विकसित अन्य स्मार्ट बुनियादी ढांचे के साथ सूचना के प्रसार, संचार में सुधार, भविष्य के बारे में विश्लेषण और प्रभावी प्रबंधन में सहयोग के माध्यम से महामारी से लड़ने में शहरों की मदद की। आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIRNewsAlerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए बने रहिए आकाशवाणी समाचार के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ, रीलिविंग द जर्नी ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस ओवर द लास्ट 75। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सीमाओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है और देश सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि एक शांतिप्रिय देश भारत ने कभी भी किसी भी देश को नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने भारत की शांति और सद्भाव को हानि पहुंचाने का प्रयास किया तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों को स्वदेश में निर्मित अत्याधुनिक हथियार और उपकरण उपलब्ध कराना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा। ये महासभा कल से 21 अक्टूबर तक दिल्ली में आयोजित की जाएगी। महासभा इंटरपोल का सर्वोच्च शासी निकाय है। इसमें संगठन के 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। वर्ष 1949 में इंटरपोल में शामिल होने वाला भारत संगठन के सबसे पुराने सदस्यों में से है। इंटरपोल का कार्य विश्व को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न देशों की पुलिस के बीच समन्वय करना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कल हासन जिले में अरसी केरे के निकट हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए 9 लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाने की घोषणा की है। बनावाड़ा पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत चलू वना हल्ली के निकट सरकारी बस और टेम्पो के बीच हुई टक्कर में 4 बच्चों और 4 महिलाओं समेत 9 लोग मारे गए थे।
भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य डॉ महेंद्र सिंह को पार्टी का चुनाव प्रभारी तथा राज्यसभा सांसद समीर ओराव को सह प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। राज्य में अगले वर्ष चुनाव होने हैं। युगांडा में इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए दो जिलों में 3 सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा की गई है। मुंबेडी और कसांडा में बार, नाइट क्लब, पूजा स्थल और मनोरंजन स्थल बंद रहेंगे। इस प्रकोप के कारण 19 लोगों की मृत्यु हो गई है। अधिकारियों ने कहा है कि प्रकोप मुंबेडी और कसांडा जिलों में केंद्रित है। फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता में आज भुवनेश्वर में मेजबान भारत का ग्रुप ए में ब्राजील के साथ मुकाबला होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत पहले दो ग्रुप मुकाबलों में अमरीका और मोरक्को से हारकर विश्व कप प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में रुद्रांश बालासाहेब पाटिल, किरण अंकुशी जाधव और अर्जुन बबूदा की तिकड़ी ने पुरुष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। खिताबी मुकाबले में कल काहिरा में भारतीय तिकड़ी ने चीन को 16-10 से हराकर भारत को 5वां पदक दिलाया। भारतीय महिला टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक के मुकाबले में जगह बना ली है, जिससे भारत का एक और पदक पक्का हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक की स्थिति को देखते हुए वायु प्रदूषण की रोकथाम के उपाय सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वायु की गुणवत्ता दोबारा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। ऐसे में चरणबद्ध कार्य योजना के अंतर्गत सभी संबद्ध पक्षों को और कड़े उपाय करने होंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 5 अक्टूबर से 24 सूत्रीय कार्य योजना लागू है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। रवि, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। धन्यवाद मिलेंदु। देशभर में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का शुभारंभ अखबारों की अहम खबर है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए लिखा है कि हमने फोन बैंकिंग राजनीति को डिजिटल बैंकिंग में बदला। वर्ष 2014 से पहले कर्ज देने के लिए बैंकों को ऊपर से आते थे फोन, अब देश के निरंतर विकास का श्रेय पारदर्शी डिजिटल बैंकिंग को है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के आज चुनाव पर जनसत्ता की सुर्खी है। अध्यक्ष पद के दावेदार शशि थरूर ने मतपत्र को लेकर जताई आपत्ति। 24 साल बाद नेहरू गांधी परिवार से बाहर पार्टी का कोई अध्यक्ष होगा। पंजाब केसरी की बड़ी सुर्खी है, हिंदी में बनो डॉक्टर। गृहमंत्री अमित शाह ने किया हिंदी भाषा में प्रकाशित एमबीबीएस की पुस्तकों का विमोचन। शराब घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई का समन, राष्ट्रीय सहारा के मुख्य पृष्ठ पर है। लोक सत्य की सुर्खी है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मालगाड़ी के एल्यूमिनियम रैक को किया रवाना। राजस्थान पत्रिका लिखता है कि देश की पहली एल्यूमिनियम रैक वाले डिब्बे सामान्य मालगाड़ी के डिब्बों से हल्के हैं। इससे मालगाड़ी की गति में बढ़ोतरी होगी और बिजली की खपत में भी कमी आएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के बयान पर हिन्दुस्तान लिखता है, रुपया नहीं फिसल रहा, डॉलर हो रहा मजबूत। भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद सुदृढ़, वित्तीय घाटे को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क। दैनिक जागरण वित्त मंत्री के हवाले से लिखता है, गैस बहुत महंगी होने से कोयले की फिर वापसी होने वाली है। पश्चिमी दुनिया के देश फिर से कोयले की ओर बढ़ रहे हैं। ऊंचाई वाली बर्फीली चोटियों की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए है अच्छी खबर। बड़ी उपलब्धि शीर्षक से दैनिक भास्कर का कहना है, भारत में बना दुनिया का पहला राडार जो हिमस्खलन से बचाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों ने 25 वर्ष के डेटा के आधार पर नया राडार बनाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी करेंगे। श्री मोदी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। गुजरात में आयुष्मान कार्ड का वितरण आज से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार पेटेंट कानून को सरल बनाएगी।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से आज पूछताछ करेगा। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए चुनाव आज। भारत की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पांचवां सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। और फुटबॉल में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के ग्रुप ए में भारत और ब्राजील के बीच मुकाबला आज शाम भुवनेश्वर में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।